कश्मीरी भारत वो गाड़ी में आनी चाहिए। आते के साथ खाने में लग गए, कैसे मेहमान है। सुबह मंडप बनते हुए देखा था, अभी पैकअप होते हुए भी देख लो। Guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to another outfit from scratch slash shadi vlog. I'm doing the intro much later after the shadi is over because shadi ke din itna chaos tha and I just wanted to like sit down and tell you all ke actually kya hua. I gave like a shorts and tried to like summarize the chaos that happened with my shadi outfit. First things first, I wanted to make an outfit from scratch for the shadi, jo meri best friend ke bhai ki shadi hai. I thought I should not make like an outfit fresh. Because why should I, right? मेरे पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं and this particular outfit that I made last year like 2022 में मेरी फ्रेंड की शादी हुई थी. I made this outfit, it was so beautiful. मेरे पे इतना अच्छा लग रहा था and it was a like a देसी gown जो इतना अच्छे से उसका फॉल था. That outfit is spectacular and I used to never get a chance to rewear it because of how grand looking it is. That fabric is very heavy, the outfit overall is very heavy. वो मेरी best friend की शादी थी तो that time it was appropriate, but this is my best friend's brother's wedding, so I thought, you know, we'll just take it a level down instead of a level up. You can't level up from that outfit, that was already very good. But I want to take it a step niche. तो वो लेने के चक्कर में we decided to split it. We being me only. I decided to split the outfit and make it like a skirt and a blouse and like split the two components of the outfit. I gave it to my tailor. He did it also. And after that he was like, अब तो ना तो ये gown रहेगा और ना ये लहंगा रहेगा. अब उसमें क्या गड़बड़ हो गई कि I didn't visualize properly. But when you cut that gown, lehengas are supposed to have like the kali and the flare right from your waist, and this, because it was a gown, there's a portion of the gown, because of my torso being long, like main bahut lambi hu to mera midriff bahut like lamba hai, us area mein we had snatched the waist and then started the pleats niche se. So when we cut it, the अपर पोर्शन इज लाइक कॉर्सेटेड और टाइट और फिर कली नीचे से शुरू होती थी, इतना वियर्ड लग रहा था वो स्कर्ट. सो दैट वॉज वन प्रॉब्लम एनी वे, बट इवन देन तमन्ना एंड ऑल वे लाइक, अच्छा लग रहा है जस्ट यू नो बिकॉज यू नो दैट्स अ प्रॉब्लम, इसलिए देखो ऐसा लग रहा है, डोंट वरी, रोल विद इट. And I went and got like a fabric for the top. मेरा ड्रेस है जो मैंने पहले बनाई हूँ आउटर फ्रॉम स्क्रैच में. Oh, this blue is nice. है ना? So I've told him या तो ये ग्रीन या तो ये ब्लू या तो ये पिंक, कोई भी एक कॉन्ट्रास्ट में सैटन निकाल लें. दिस इज द ब्लाउज आई वॉन्ट टू मेक. दिस विल गो द मोस्ट. कौन सा? दिस ब्लू ना और दिस पिंक. एकदम परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट होगा. दिखाओ ये पिंक, और ये मोर पीछी साइड पे नहीं ग्रीन हो रहा है. इसका थोड़ा डार्क वर्जन है, दिखाओ ना थोड़ा सा, बहुत ज्यादा लाइट है. हां ये है, दिस इज कॉल्ड चौ. वाओ, ऐसा लग रहा है इसी धागे का. इसका 1.5 मीटर देना, 1.5. 1.5 मीटर में वो स्लीव्स होएगी वैसी वाली. 1.5 इज अ लॉट. बड़ा पन्ना है ना, हो जाएगा. सॉर्टेड. द परफेक्ट वो फ्लावर का कलर का हमको सैटिन मिला, जो काफी थिक सैटिन था, बट कलर मैच वाज परफेक्ट. और डाई कराने का टाइम नहीं था, तो आई वाज लाइक चल लेट्स गो फॉर दिस ओनली. एंड आई हैड दिस ब्यूटीफुल प्लीटेड ब्लाउज डिजाइन ऑन पिंटरेस्ट व्हिच आई गिव माय टेलर. ये टॉप बनाना है एग्जैक्टली ऐसा. ये टॉप कॉम्प्लिकेटेड है इसके साथ. ये कपड़ा इसके लिए सही है. ये कपड़ा जो है अपने को सॉफ्ट वाला लेना पड़ेगा. ये सेम कलर मैच नहीं आएगा, ये मैंने डाई नहीं कराई हो. हाँ डाई करवा लूंगा. नहीं आएगा सर. और इसका मैंने 1.5 मीटर लिया, फिर वेस्ट होएगा कपड़ा. इसमें फॉल वैसा सेम नहीं गिरेगा ना. स्लीव का ही तो जादू है, मैंने तुमको बोली थी स्लीव. बहुत ज्यादा मोटा कपड़ा दे दिया है, बोला था साटन ब्राइडल, बट क्योंकि ये कलर ना मैंने इससे मैच कराई हुई है, फूल से. पतला था उसके पास, बट ये फूल से मैच नहीं हो रहा था. ये तो कॉन्ट्रास्ट एकदम परफेक्ट आएगा ना. इसकी ना स्कर्ट जब काटोगे तो ये बेल्ट स्कर्ट में लेना. ये जो पोर्शन है ना, ये तुम स्कर्ट में लोगे ना, ये बेल्ट. ठीक है, तो मेरी स्कर्ट में मतलब बेल्ट है, एक अच्छी ब्रॉड पट्टा है और फिर स्कर्ट आ रही है. और टॉप का कपड़ा वेस्ट नहीं करना, टॉप भी अच्छे से सिला के दे दो नीचे. मिस करके ब्लाउज जैसा पहन. हाँ, तो ताकि मैं ऐसा भी पहन सकूँ उसको और ऐसा भी पहन सकूँ, दो कपड़े बनने चाहिए इससे. रिसाइकल. ये थोड़ा लेंथ कम करना पड़ेगा. अगर लेंथ कम करना है तो फिर एक काम करो, ये ऊपर में ले लो ब्लाउज में, है ना. हाँ, ये मोटा पट्टा ब्लाउज में ले लो क्योंकि ये रिपीट है नीचे. फिर तो मैं बैठ के बनाया था ना, एकदम प्रॉपरली याद रहेगा.
बॉर्डर नहीं था ये, इसका जो नेक था ना वो एकदम परफेक्ट था, ये नेक चाहिए था मेरे को, एकदम पैच किया था मैंने इसको, यहाँ से ये अलग अलग होएगा, ये ब्लाउज में जाएगा। हाँ ब्लाउज में जाने दो फिर, ये ब्लाउज में जाएगा नीचे से, फिर लंबाई कटेगी 34 पे बेस्ट आएगा, क्योंकि ऊपर आपका बेस्ट 29.5। खाली कपड़ा मतलब मेरा ब्लाउज बिगड़ना नहीं चाहिए? ब्लाउज कुछ नहीं बिगड़ेगा मैम, ये ऊपर से पैच किया हुआ है मटेरियल, ये निकाल के इसका ही हमको बेल्ट बनेगा, क्योंकि और कपड़ा हमारे पास ये कलर का रहेगा कहाँ, नहीं है, और उन लोगों के पास भी नहीं है। या अंदर इन बेल्ट बना दो, अस्तर से, अस्तर से बना सकते हो अंदर इन बेल्ट, बाहर यही पूरा कली दिखेगी, जैसे अंदर की साइड ये दिख रहा है अपना सब पूरा, यही से कली स्टार्ट है। यही बोलने वाली थी मैं, आई वॉन्ट दीज प्लीट्स ऑन द टॉप एंड अज़र इज सेइंग दैट इट्स टू थिक टू गेट इट, वरना ऐसा दिखेगा। यहाँ पे कपड़ा कितना मोटा हो रहा है, यही अनुमान लगाओ, अच्छा दिखेगा, अच्छा दिखेगा, एटलीस्ट ट्यूब टॉप में कर दो ना, फिर स्लीव्स तुमको पतले कपड़े का लेना है तो एकदम रॉयल लग रहा है ये कपड़ा, शाइन भी इसकी अच्छी है, तुम पतला कपड़ा सैटिन लोगे ना शाइन नहीं आएगा। चलो ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, जिस तरह का आपको फोन पे बताता हूँ। देखो इसमें नीचे एक सिंगल पट्टा है ब्रॉड, और फिर पूरा प्लीट 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 है। हाँ, प्लीट मशीन से आता है, सिलाई मार मार के एक एक प्लीट बैठाया जाता है, और ये अच्छे से देखो कैसा किया है, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में सिलाई मारी है, और ये थोड़ा सा उठ रहा है नेक पे, ये देखो वो उसने हाथ ऐसा उठाई है इसलिए उठ रहा है अजर, वरना गला एकदम स्क्वायर काटना है, गले में एक स्क्वायर है ये वाला और दूसरा स्ट्रेट है, तो नो वी नेक दिस टाइम। And he stitched it so well. Oh my God, पहली बार मैं अपने टेलर में इतनी, he's very very impressive. Okay, my tailor is amazing. बहुत अच्छे से मेरे सारे कपड़े सिल जाते हैं, but still this was a complex design and I felt like something is gonna go wrong in the stitching and somewhere I'll have to compromise because काफी complex है. He duplicated the Pinterest exactly. I just collected the blouse from Azhar one day before the shadi and this blouse must have taken him so long. एक एक tuck, एक एक pleat और ये जाड़ा कपड़ा है काफी. Like he was telling me थोड़ा पतला satin लेना चाहिए. I thought he was going to buy another satin for the sleeves, but he used the same satin. Overall look wise तो मुझे दूर से ही बहुत अच्छा दिख रहा है blouse. I'm gonna wear it and check for the fitting now. This is the final shadi outfit guys, but fit nahi ho raha hai, fit hi nahi ho raha hai, zip hi nahi lag rahi, itna tight tha, meri jaan chali gayi isko niche lane, but silaya bahut mast hai. Like both my sangeet and my shadi ka blouse are so western ki main inko jeans ke sath pehen sakti, even the tube top of the sangeet I can wear with jeans, right, pants. We have a little bit of regret for cutting my very beautiful gown. हो रहा है क्योंकि अब वो गाउन वापस गाउन नहीं बन सकता. I can, should I wear it with the same top? Try, I don't know. He's cut that also. Yeah, but mom didn't like. Mom is not. My mom likes you. What are you saying? You like the top, but you don't like it with the lehenga. I like the top, but I don't. It's okay, no problem. For a change, it's nice. It's looking beautiful also. Yeah, I wanted some change. Like I wanted to add contrast. It's Indo-Western. It's not completely Indian. It's giving different, like Indo-Fusion. अगर अच्छी ज्वेलरी होती ना एक्चुअली आई कुड एक्सेसराइज वेल, बट जो ज्वेलरी मेरी आनी थी अहमदाबाद से वो मेरे पुराने घर के एड्रेस पे दो बार आके वापस चली गई है, तो अब वो नहीं आने वाली, मेरे पास ज्वेलरी नहीं है. बट मेरे को स्लीव्स इसकी बहुत अच्छी लगी है ना, स्लीव्स मत बना, दिस इज एग्जैक्टली द मूड बोर्ड आई गिव हिम, एग्जैक्टली लाइक दैट इज मेड. अभी खाली ये जिप तो लग जाएगी, बट यहाँ पे कमर पे भी टाइट है और इधर भी टाइट है, बट शोल्डर्स इज परफेक्ट. आई टोल्ड हिम डोंट लूज इन द शोल्डर्स बिकॉज इफ ही डज देन इट विल स्टार्ट स्लिपिंग. ही इज गिवन वेरी लिटिल शोल्डर मार्जिन, सो आई वॉन्टेड अ ब्रॉड नेक, एकदम स्क्वेयर एंड ब्रॉड, तो ये पूरा पोर्शन है. इट्स नॉट लाइक क्लीवेज ऑल्सो बिकॉज नाइसली टाइट हो गई है, उसको खाली इधर से लूज करना है, थोड़ा सा इधर से लूज करना है. आई कैन वेयर द सेम ब्लाउज ऑल्सो, बट दिस इज लुकिंग डिफरेंट, इट्स फाइन, है ना, दैट इज अ वेरी मंडेन दिस. वो पहन चुकी हूँ ना मैं, आंखों में थोड़ा सा सिंक इन हो रहा है तो अच्छा लग रहा है. ओके ग्रेट. ज्वेलरी बाल वगैरह, बाल है ना ओपन ही रखना, तू फालतू फालतू के वो सब मत करने जाना एकदम. कुछ भी नहीं करती हूँ मैं तो, ओपन ही छोड़ती हूँ ना वेव्स, वैसे ही छोड़ने वाली हूँ मैं. उठ गया दर्द, मैं जा रही हूँ चाय पीने, जो सुबह भी ठंडी हो गई अभी भी ठंडी हो गई. प्लीज इंटरेस्टेड है मेरी माँ.
अपनी मेहंदी इतनी अच्छा कलर आया, मैं वो सबसे डार्क कलर हम लोग सब में मेरा ही आया, जबकि मैंने रात को ही पानी सोप सब डाल दी, बिकॉज आई एम अ क्लीन फ्रीक, आई इमीडिएटली वॉश माई हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिकॉज आई कांट कीप इट डर्टी, बट आई हैव सो मच बॉडी हीट कि वो फट से काला हो जाता है. बट इट बिकेम स्लाइटली टाइट एंड द मेजर रीजन वॉज क्योंकि ये सैटिन थोड़ा थिक था, इट वॉज नॉट वन ऑफ दिस फ्लोई फ्लोई सैटिन, इट वॉज अ थिक सैटिन एंड ही टोल्ड मी व्हाइल स्टिचिंग ऑल्सो इट्स गोना बी अ थ्रस बिकॉज बहुत मोटा कपड़ा है तो मोटे कपड़े में प्लीट्स बिठाना बहुत मुश्किल होगा, एंड उन्होंने काफी काम किया था वो ब्लाउज पे, तुम देख के ही बता सकते हो. काफी ज्यादा गड़बड़ हो गई हो गाइस, ये कपड़ा जब खोलने गए तो इधर पूरा निशानी छोड़ दिया इसने. वी ट्राई टू लूजन इट एंड आई टोल्ड अजहर कि कैसे टाइट हो गया, बिकॉज मेरे ब्लाउज कभी वो टाइट नहीं बनाता. ही टोल्ड मी कि ये कपड़ा इतना जाड़ा है ना, तो ऑफकोर्स उसको सिलाने तो मुश्किल हुई थी ये सारी चीजें, बट जितना मेरा माप था उतने में उन्होंने सिलाया, बट स्टिल इट बिकेम टाइट. एंड नाउ व्हेन यू वेंट टू लूजन इट बिकॉज द कपड़ा इज सो मोटा, इसने पूरा लाइन छोड़ दिया आगे पीछे जो इतना मैसी लग रहा है कि अब मैं इसको नहीं पहन सकती, ये बहुत गंदा दिखेगा, बिकॉज माई होल इफेक्ट वॉज कि मैं बारात में नाचूंगी और ये मस्त दिखेगा. And you know it will stay in place and the whole top was looking so beautiful but now it's not. दो घंटे में मुझे बारात के लिए निकलना और मैंने अभी छोटू को अजहर के पास भेजा है, आज अजहर अगर वो ब्लाउज वापस स्कर्ट से जुड़ जाएगा तो पॉसिबल है क्या? नहीं सर, पॉसिबल है मैम, करके देता हूँ. तो ही अजहर बींग अजहर, ही इज गोइंग टू ट्राई हिज बेस्ट टू मेक माई आउटफिट वर्क. सो दैट्स वन ऑप्शन. द अदर ऑप्शन इज मैंने जो ग्रीन लहंगा सारा सैयद की शादी में पहनी, माई फ्रेंड सारा सैयद इन दैट ग्रीन सब्यसाची लहंगा विच आई हैड रिक्रिएटेड, दैट्स माई सेकेंड आउटफिट ऑप्शन दैट आई कैन वेयर, जो हॉल में इस्त्री किए हुए होते मेरे सारे कपड़े, तो आई हैव दैट आउटफिट ऑप्शन ऑल्सो. सो नाउ आई एम गोना डू माई हेयर एंड मेकअप, गेट रेडी फॉर द शादी, एंड देन उसके बाद देखते हैं कि कौन सा आउटफिट आई एम गोना वेयर. लिटरली राइट नाउ आई डोंट नो व्हाट आई एम वेयरिंग, क्योंकि वो गाउन बनने के बाद वापस एक बार कट गया, उसके बाद जुड़ने के बाद कैसा दिखने वाला है मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं. अजहर बोल रहा है कि वो करके देगा तो आई ट्रस्ट हिम. आई कैन नॉट बी लेट फॉर द बारात ऑल्सो दिस टाइम बिकॉज 3:30 का मुहूर्त है, बारात हैज टू स्टार्ट एट 2, इवन पुर्णिमा एंड ऑल आर ऑल ऑन टाइम. सो आई एम जस्ट गोना मेक इट वर्क विद व्हाटएवर आउटफिट लास्ट मिनट पे टर्न्स आउट, दैट्स ओके. लेट्स डू आवर मेकअप, लेट्स डू आवर हेयर. फर्स्ट आई वॉश्ड माय हेयर आफ्टर ऑल ऑफ द फंक्शंस, तो आज मैं अच्छे से अपने बाल फ्रेशली ब्लो आउट करूंगी, खुद से करने वाली हूँ अपने बाल. आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर फॉर माय हेयर, डाइसनिंग इट आउट एंड देन वील डू द मेकअप एंड लास्ट वील डू द आउटफिट. लिटरली व्हेन आई वाज ब्लेंडिंग माय फाउंडेशन छोटू केम, द आउटफिट फिट, इट वॉज परफेक्ट. सो दैट्स द शादी का प्री लाइक वॉट एवर केओस हैपेंड इन द मॉर्निंग विद माई आउटफिट. और जब मैंने शॉर्ट्स और रील बना के आप लोगों को पूरी स्टोरी नरेट की, एवरी वन वॉज लाइक काटा ही क्यों? पहली बात आई नो आई हैड इंस्टेंट रिग्रेट आफ्टर कटिंग द आउटफिट, बिकॉज आई वॉज लाइक वाओ, आई लिटरली कट इन टू वन ऑफ द मास्टर पीसेज. दिस इज वन ऑफ दोज पीसेज दैट आई विल पास डाउन टू माई चिल्ड्रन, लाइक दिस इज दोज लाइक यू नो इट्स सच एन आइकॉनिक पीस एंड आई इंस्टेंटली रिग्रेटेड कटिंग इट, एंड आई एम ग्लैड कि इट वेंट बैक टू लुकिंग एग्जैक्टली हाउ इट लुक्ड. एंड अब उसको आप छेड़ेंगे ही नहीं, आप उसको वैसे ही रखेंगे. ये पिंक ब्लाउज जो बहुत अच्छा बना है, अजहर इज लाइक सेंड इट बैक टू मी, ही विल डू समथिंग टू फिक्स दोज निशानी जो आ गई. आई डोंट नो व्हाट ही इज गोना डू, बट ही इज गोना डू समथिंग. सो मे बी इन द नेक्स्ट टाइम वी हैव सम फंक्शन, हम कुछ उसके लिए अलग से नीचे बना के पहन सकते हैं. आई एम गोना कीप इट विद मी, इट्स अ वेरी प्रिटी ब्लाउज, आई कैन वेयर इट विद डेनिम्स एंड जीन्स एंड ऑल ऑल्सो, इट्स सुपर वेस्टर्न लाइक दैट. सो इट्स अ गुड पीस ऑफ आउटफिट जो बन गया, बट वो पूरा स्क्रैच से, दिस इज लाइक वन ऑफ दिस आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच डिजास्टर्स दैट I feel like you all needed to know about. अब आप शादी enjoy कर सकते हो. T-10 minutes to go. Exactly 10 minutes is my ETA. This is my final finished makeup. I did like a smoky, very फटाफट I've done something and I very फटाफट dyed my hair also. I don't know how much it's gonna stay till the reception, but let's go attend the barat on time. Otherwise Purnima is gonna kill me. Oh wow, ये गाड़ी देख सकते हो. Left में देखिए. मेरी बारात वो गाड़ी में आनी चाहिए. कल मैं इधर से जा रही थी and then I was like, देखो संगीत पे I should have taken the smoke grey mustard so we would have matched my lehenga. My father is looking at me like, look at this. That's it's right. That only not near the Link Road wala club. Yes. Haan, okay, okay. I know, but still I'm. But still, my yeah, rakhi keep it. Show your mehndi. Oh. Pitti. Pichhe I didn't do because I was like, Christmas, shaadi. Pichhe I can't do. The only stress is about reaching. एक बार हम पहुंच गए, पूर्णिमा ने हमको देख लिया, उसके बाद कुछ नहीं करना होता है. फिर बाहर then I don't have any work. And the main thing is Sagar भैया needed aviators with Sakshi's bought and come. So now those aviators have to be dropped off to the groom on time. But I feel like I was not going so crazy at Sabrina's wedding. Here I'm more scared of Purnima. I'm not scared of Sabrina.
सबरीना वाज नॉट अ ब्राइडजिला, शी वाज वेरी चिल. लाइक उसको तो फर्क, लाइक शी वाज जस्ट एंजॉयिंग, शी वाज सो चिल. एक्चुअली इन हर वेडिंग एंड नो प्रेगनेंसी बोथ शी वाज डैम चिल. आई थिंक नाउ शी इज मोर पैनिकी आफ्टर ईशान हैज कम, अबाउट ईशान, बट उससे पहले शी सो चिल. ना शादी में भी उसको कुछ भी पैनिक नहीं. ये द क्लब जुहू है ना, इधर शादी हो रही है ना, सागर. थैंक यू. पहला लेफ्ट मार के सामने. I'm the two ready and the groom is not ready and the bride is not ready. इसने पूरा जोड़ दिया आंटी. आधे घंटे में मेरा आउटफिट भेजा, बाद में मैंने कटवा दी थी इसको. मैं इसके लिए अलग ब्लाउज सिलाई थी बट वो टाइट हो गया. आपको क्या लगता है बारात कितने बजे शुरू होगी, क्या एस्टिमेट चल रहा है? 2:45. आपको क्या लगता है? 3:00. दूल्हे की मम्मी बारात कितने बजे शुरू होगी, आपका क्या था? लेकिन लेट हो गया, हम लोग को हॉल ही लेट मिला 1 घंटे के बाद. तो अभी बारात भी 1 घंटे के बाद. तो फिर मुहूर्त का, मुहूर्त का फटाफट नाचते नाचते इधर लाइन लाइन लग गए राउंड राउंड. इसमें हम लोग बारात है, बारात में ही ऐसे राउंड राउंड लेके जाते. वो में ना वो लेके जाते. दिस इज द किफायती मुंबई तरीका. आपको क्या लगता है दूल्हे की बहन बारात कितने बजे शुरू होगी? 2:45 नहीं हुआ है, 3:00. ओके. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Are running late on schedule, but that's okay. We are going now to tie the pasa. This is my first time. I'm from ladke wala side. So I'm going to attend the wala. That's what I'm realizing, that something's different in this shadi. Usually it's either my friends getting married and they're all ladki wala, or my friend's sisters getting married. Purnima is one of the few friends who has a brother. So I'm from the ladke wala side for the first time ever. And I don't have a real brother. Me and Jason and Malcolm will get married and that will be a Catholic wedding mostly. Mostly, we don't know yet. It's hot outside. December wedding mein bhi itni garmi hai. I love it. It's so good. Is this the first time you've tied this? No. You've done it before? Yeah. I have done it on this outfit. But तो तू तो लड़की वाले से थी ना, ये आउटफिट पहनी थी तो. मैं तो दोनों के साइड से थी. रात में नाचे फिर वो बाजू जाके वेलकम करे थे. You guys, अभी बारात शुरू होनी है और बारात के लिए आई एम रिमूविंग द कार. दिस इज द वेरी लास्ट मिनट एडिशन दैट हैज हैपेंड. मेरे को नाचने का था यार, मैंने ये भी बात नहीं थी नाचने के लिए, बट कोई बात नहीं, वी हैव टू मेक आवरसेल्फ्स रिसोर्सफुल. प्लीज यार रुको ना, अभी दूल्हा नहीं आया, तुम लोग को आने का गा ये कुछ खाने को नहीं मिल रहा है यार, शुरू नहीं हुआ है.
A few hours later. After, why is this one standing like a Sabyasachi model? It touch up kar rahi hai. हम लोग ने बस ये बड़ा वाला चेंजिंग रूम ले लिया और दूल्हा दूल्हा उधर दूसरे रूम में चेंज कर रहे अभी मैंने मेरा खुद को देखा है ना पहले साल. Now I'm in my element. Yeah. Now, अब मुझे, now I feel like I'm myself. अब मुझे मजा आ रहा है. ये तीन दिन में ना हम लोगों ने ये लाइफ पर नोट से बहुत बार सुने इसलिए. Hey, कितना अच्छा है सर. इधर सब did you guys realize I didn't remove my chashma from my forehead. पूरा वो जो वहाँ पे बैठी थी ना वहाँ पे ऊपर चश्मा लड़की वाली और मैं सारी नहीं मैंने नहीं इतना रिलेशनशिप में लड़के वाले सिर्फ वो भी कुछ पंडित कोल भी नहीं रहेगी निकालो कुछ ऐसा कुछ. Later that night. I was actually a little misinformed. I thought that we were first changing for the reception, but that time the bride and groom changed for the Buddhist ceremony of the wedding because Yashika's family follows that tradition. So that whole ceremony also happened. It was very different. मैंने महाराष्ट्रियन वेडिंग पहले देखी है बट बुद्धिस्ट वेडिंग कभी नहीं देखी है. It's a very peaceful and very very different, but it happened in Marathi only. और अब reception के लिए change करना है तो पूर्णिमा का सारी ब्लाउज I'm taking from here and she's going to change. I've come back to her house. I've dropped her parents home. And they are going to change at home. She's going to change at the venue. तो मैं उसकी साड़ी और ब्लाउज कलेक्ट करूँ, उसकी ज्वेलरी भी लेनी है. ये वड़ा चाहिए ना? तुम तो ड्राइवर? ड्राइवर आता है खाली सिकड़े से आप बस जाएँगे. हाँ? ठीक है, तेरा फोन करूँ नीचे बोलोगे? हाँ, बोलो. हाँ, मैं जाते हैं. आते के साथ खाने में लग गए, कैसे मेहमान है, एकदम मेहमान वाली हरकतें कर रहे हो तुम. हम लोग कब से बैठे हैं? कब आए थे तुम लोग? क्या बात. देखें जी सब आंटी, वी आर डन गाइस. खाना वाना खा लिया है, फोटो वोटो खिंचवा लिए, शादी खत्म, 12 घंटे का शिफ्ट खत्म, अब हमारा हो गया है. सुबह मंडप बनते हुए देखा था, अभी पैकअप होते हुए भी देख लो, हमारा भी पैकअप हो चुका है. बैग ले रहे जा रहे. मेरे को एसी अभी ठंडा लग रहा है ब्रो. सेम, आई एम सो डन. माय बैग इज होल्डिंग. देख वरमाला रियल फूल दे, देखो टच करके पूछते रहेंगे रियल थे कि फेक थे वरमाला के फूल. मस्त है ना, या बेबीज ब्रथ है ये. ऑफ कोर्स रियल है, दे डोंट ड्राई अप इजीली. वरमाला वाज टू प्रिटी, सॉरी मैम. इतनी डीप मत जा, थोड़ा सा
हेलो गाइस, सागर भैया की शादी भी खत्म हो गई, साल भी खत्म हो गया, ऐसा फट फट साल गया ना, पता भी नहीं चला. एंड इसी के साथ आई एम गोना टेक द लास्ट 5 days ऑफ द ईयर कम्प्लीटली ऑफ. छुट्टी फॉर मी फ्रॉम व्लॉगिंग. आई एम गोना मीट यू डायरेक्टली इन 2024 विद फ्रेश व्लॉग्स. कोई न्यू ईयर प्लान नहीं है इस बार, मैं ट्रैवल नहीं कर रही हूँ. न्यू ईयर के लिए घर पे बैठ के हम चिल करने वाले फैमिली के साथ, जस्ट गोना स्पेंड टाइम टुगेदर. कुछ भी अगर एक्साइटिंग हुआ तो एक लाइफ अपडेट वीडियो बना के बता दूंगी आपको. कोई भी ट्रांसफॉर्मेशनल न्यू ईयर अगर कुछ हुआ, तूफानी ऐसा. वैसे तो एक मेरे भाई की एंगेजमेंट है बस 30th को, और कुछ भी नहीं है. एंड आई एम गोइंग टू बी एडिटिंग ऑल ऑफ दीज व्लॉग्स बिकॉज माई टीम इज ऑन लीव. दीक्षी इज ऑल्सो गोइंग फॉर द हॉलीडेज एंड कपल ऑफ माई अदर एडिटर्स आर ऑल्सो ऑन लीव. तो आई एम गोइंग टू बी एडिटिंग ऑल दीज वेडिंग व्लॉग्स माई सेल्फ. तो अभी बस ये व्लॉग खत्म करके झट से मैं एडिट्स पे बैठूंगी एंड देन आई बी डिलीवरिंग ऑन टाइम टू यू ऑल. नो मैटर हु एल्स इज वर्किंग ऑन, आई लव माई जॉब सो आई कीप डूइंग इट. तो अभी अगले साल मुलाकात होगी. आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो. इट वॉज क्वाइट द वेडिंग, वेरी वेरी एक्चुअली. शादी के दिन पे वैसे भी इतना कुछ होता नहीं है, बट जब घर की शादी है तो काफी भागदौड़ हो जाती है. एंड स्पेशली बिकॉज द कपल डजंट स्टे इन इंडिया, लाइक दे स्टे अब्रॉड. तो अभी शादी होते के साथ दे आर गोना बी गोइंग बैक टू द US. एंड जब वो लोग उधर थे वहां से सब अरेंजमेंट हो रहे थे, तो ऐसा काफी कुछ गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. सो लास्ट मिनट चीजें बहुत हो जाती है बिकॉज वेन दे कम and when the occasion is happening that time only you have to make the arrangements on the spot because Purnima bhi is bar Canada chali gayi thi to wo bhi nahi thi. to agle saal ka mera kuch bhi travel bhi booked nahi hai guys, can you all believe it. mera kuch booked nahi hai agle saal ka, kuch mere ko malum hi nahi hai main agle saal kya karne wali. I have not made a vision board, I don't have a goals list, I have nothing. I just know I'm going to have a very hectic January because I have 2 new team members who will need intensive training, so I have to be all hands on deck at the company. Work wise, I need to be very on my A game. Secret project bhi aa raha hai, to uska bhi kaam karna hai. Hai hai, bahut kuch hai. I know what I'm doing, but I don't know what I'm doing. Like right now, I'm sleeping. Okay, so I'll see you in the new year. I hope you all like this video. Don't forget a big thumbs up. 40th Star Squad shout goes to all of my Star Squad because we are at 1.3 million Star Squad. It is mad. Okay. Crazy to me that we are at 1.3 million and I just want to thank you all because aap log ho to main hu. Aaj hum jahan bhi hai it's all because of y'all and your support is everything to me. So I hope you all have a beautiful beautiful end of the year. Jo bhi hua ye saal mein, just leave it behind. Let's start fresh in the 2024. If you can't leave it behind also, just learn from it, take on the baggage if you want. However you want to start your 2024, you do you. Just be yourself and I will meet you in the new year. Bye, love you. Mwah.